किसान बिल के विरोध में सड़कों पर ट्रैक्टर से निकले तेजस्वी यादव। आपको बताते चले कि किसान बिल के विरोध में आज विपक्ष ने भारत बंद का आह्वान किया है। ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी ट्रैक्टर से किसानों के लिए निकल पड़े हैं। तेजस्वी यादव अपने आवास 10 सर्कुलर रोड से RJD ऑफिस तक ट्रैक्टर चलाकर गए हैं। आपको बताते चले कि तेजस्वी के साथ उनके समर्थक भी ट्रैक्टर से उनके पीछे पीछे निकल चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भी बिहार में आज के बंद को समर्थन दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने के आसार हैं। कांग्रेस, RJD और जन अधिकार पार्टी के नेता आज भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपको बताते चले कि चुनाव आयोग की टीम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में बिहार की सियासत आज दिन भर गरमाई रहेगी। प्रशासन को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि चुनाव आयोग कौन सी तारीख तय करती है। आइए इस मौके पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। ये क्यों नहीं है? नीतीश कुमार जी दूसरों को कहते कि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ही कोई ज्ञान नहीं, अपने आप को ही सबसे बड़ी सर्वोपरि मानते हैं। हम तो कहना चाहते कम से कम बताए कि जो विधेयक तीन जो कृषि का विधेयक है वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। बट बिहार में तो ऑलरेडी पहले से नहीं है न्यूनतम समर्थन जो अपना मूल्य है खत्म कर दिया गया। वही जो किसान जो है बिहार का लाचार होता चला गया। तो इसमें नीतीश कुमार जी न्यूटन मार अपने लोगों से फिर बुलवाने का काम ये पूरी तरीके से फेलियर है। और हम लोगों का जिसका डर था कि मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो या गरीब हो, इसको मारने का काम पलटी फिर मार गए। क्या किसानों का आय विजय जी, किसानों का आय 2022 में करेंगे। गणेश भाई रख दीजिए माइक के आय। अभी कौन आ गया टेन यार, माइक उधर करो ना भाई। किसान जो और गरीब होना जाएगा और बदहाली और हमने पहले भी कैसे का काम किया जिसको प्राइवेटाइज नहीं किया। किसका बताना किया गया है, यानी कॉर्पोरेटीकरण उसका किया गया। MSP का कोई कौन आदमी है?